फिर मेरा क्वेश्चन है आपसे, पहले तो आपको फर्स्ट मैच के लिए गुड लक। थैंक यू सर। अगेंस्ट स्पेन ये लास्ट मैच अगर हम लोग देखेंगे प्रो लीग में, तो स्पेन के साथ में काफ़ी टफ मैच था, तो या फिर पेनल्टी कॉर्नर हो या फिर मिडफील्ड हो, कहीं ना कहीं इंडिया का काफ़ी बैलेंस नहीं था। तो आगे स्पेन के साथ में अगेंस्ट फर्स्ट मैच, तो क्या स्ट्रेटेजी है और इसको लेके आप लोग क्या प्लानिंग किए हैं और किस चीज़ के लिए आप तैयारी किए हैं कैसे? सही बोले हैं, क्योंकि प्रो लीग के मैचेस देखें तो बहुत अच्छे रहे हमारे और स्पेन के साथ। तो प्लानिंग यही है कि जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, अच्छा करते आ रहे हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी प्लानिंग है, उसको कंटिन्यू रखें। बट सेम अदर साइड के जो ओपोनेंट्स को है उसको कैसे रीड करना है, एंड हमारे पास काफ़ी टाइम था, हमने अच्छा उनको एनालाइज किया है। जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें काफ़ी डिस्कशन रहता है हर एक टॉपिक पे, विद बॉल विदाउट बॉल, तो उसमें जो जो चीज़ें हमें लगी हैं कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए उस चीज़ पे हमने ट्रेनिंग की है एंड बात की है उस चीज़ पे। एज ए पोजीशनिंग के फॉरवर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मिडफील्डर सेम यू नो डिफेंडर की क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए विद बॉल और विदाउट बॉल। तो प्लान वही है सर कि जो हम करते आ रहे हैं उसको अपना बेस्ट करें एंड अच्छे से गेम को रीड करें, कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम ऐसी होती हैं तो जो मिक्सअप खेलती हैं, कभी जोनल होती हैं, कभी मैन टू मैन खेल रही हैं, तो वो जितनी जल्दी हम एनालाइज करेंगे ओपोनेंट्स को तो टीम को थोड़ा इजी रहेगा मैच में। थैंक यू। गुड लक फॉर द फर्स्ट मैच सबसे पहले तो, एंड दिस इज द क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू। द क्राउड सपोर्ट हैज ऑलवेज बीन सीन एज द 12th मैन जब गेम खेलती है, स्पेशली भुवनेश्वर या अब रौरकेला में भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि स्टेडियम सोल्ड आउट बोला जा रहा है, तो वो हमेशा से इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रही है। बट लाइक मैक्स कैल्डर्स सेड इन द मॉर्निंग दैट यू कैन सी द क्राउड टू वेज, इट कैन ईदर बी अ प्रेशर और इट कैन बी एन एडिशनल मोटिवेशन टू गिव योर बेस्ट गेम इन फ्रंट ऑफ सच अ लार्ज क्राउड। मेरा ये है कि हाउ डू यू ब्रिंग अ बैलेंस बिटवीन द टू, द प्रेशर पार्ट एंड द एक्स्ट्रा मोटिवेशन पार्ट, क्योंकि वो दोनों टीमें इंडिया पे रहेंगी एज द होस्ट टीम। I think he's exactly right. It's a dual-edged sword, having such a great crowd with you. I know from my playing days when we used to, Australia used to play Pakistan in front of 50,000 people. The nice part about that was trying to keep the crowd silent. So that's what the opposition are going to be doing, is trying to silence the crowd by that. But as far as pressure for me, it's about staying in the moment, and that's what we talk a lot about, is staying focused, staying on the next thing. If pressure is getting to you, if nerves are getting to it, it means that you are off task. It means that you are either thinking about something that's going to happen in the future or something that's happened in the past. And it means that, so it's a good trigger for us to say, okay, no, we need to be back. And so one of the good things about hockey is you get a chance to come off the pitch, and we have strategies about how to, you know, if I didn't play very well in that first stanza, then I come off, then I have some focus points that I go through to get us back on track. And so little tactics like that, little things like that, is what we try and get guys to understand, that you need that pressure to perform, because it's actually a really good thing. And so it's a matter of being able to understand and let that get to that point where you can let it motivate you, as you say, but you don't go over the top. And so the performance arousal curve comes into play. Vivek. बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होम क्राउड रहता है तो ऑफ कोर्स है जो फैंस हैं, जो क्राउड सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, वो आपको टिल द विसल और लास्ट विसल आपको चेयर करने वाले हैं। तो उसमें आपको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम बात भी करते हैं, जो मीटिंग भी होता है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हमने जो एक्सपीरियंस किया है लास्ट ईयर भी, जो लास्ट वर्ल्ड कप में भी किया था, कि अगर आप क्राउड सपोर्ट तो कर रहा है, बट उसमें आपको ऐसा है कि आपको हॉकी में कम्युनिकेशन बहुत यूज़ करने पड़ता है, और उसमें कभी कभी ऐसा होता है क्राउड के होते हुए आप नहीं वो चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। तो उसमें यही है कि अपना फोकस, जो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पोजीशन, आप जहाँ पे खेल रहे हो, कभी ऐसा होगा कि आपको कम्युनिकेशन नहीं सुनाई देगा, बट उसमें आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपका मूव होना चाहिए नेक्स्ट। तो सेम वे ऑफकोर्स मोटिवेट करते हैं, मिलता भी है, क्योंकि जब सारा क्राउड आपको पुश कर रहा है तो ऑफकोर्स एक बूस्ट मिलता है। तो उसके साथ साथ आपको फोकस कैसे रहना है, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लेयर, हम ये सब बात कर चुके हैं कि अपना टिल द विसल, लास्ट विसल तक हमने फोकस रहना है।
विवेक, मेरा यही सवाल है, बार बार बात हो रही है क्राउड सपोर्ट, फैन सपोर्ट, होम क्राउड, घर पे खेलना. मेरा भी उसी से रिलेटेड सवाल है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और पूरी टीम के लिए, क्योंकि आप घरेलू मैदान में खेल रहे हैं, घरेलू कंडीशंस आपसे बेहतर यहाँ के कंडीशंस को कोई नहीं पहचानता, तो इसको आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके चलते हैं कि अपने घर में खेल रहे हैं, ये वर्ल्ड कप, क्राउड सपोर्ट भी अपना है, कंडीशंस भी सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो ये कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप में अच्छा करने की? बहुत एक लाइफ का बहुत सर, क्योंकि 4 साल के बाद एक मेजर टूर्नामेंट आता है वर्ल्ड कप, तो जब हम प्लेयर्स भी बात करते हैं तो हमें पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और होम क्राउड इंडिया में होना एक एडवांटेज होती है. इसके बाद हमें नहीं पता कि हम कब खेलेंगे इंडिया में, बट आपको एक ही चांस मिलता है 4 साल में, वो आपको कैसे अवेयर करना है, कैसे आपको उसको जीतना है, वो चीज़ें हमें पता है, हम क्योंकि इसी चीज़ पर हम वर्क करते आ रहे हैं, हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि लास्ट ईयर के जितनी परफॉर्मेंस देखी जाए तो टीम बहुत अच्छा करती आ रही है.